हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द आर्ट्स स्ट्रीम कि अगर आप अपने करियर में आर्ट्स ऑप्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करने पड़ेंगे और किस किस फील्ड में आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। सबसे पहले हम 11th की बात करते हैं कि अगर आप 11th में आर्ट्स ऑप्ट करते हैं तो आपके पास कौन से मेन सब्जेक्ट्स होंगे और कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले द मेन सब्जेक्ट्स अवेलेबल इन 11th आर्ट्स आर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हो गए आपके मेन सब्जेक्ट्स। अब कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ऑप्शनल स्कूल प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर मैथ्स, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, लॉ स्टडीज, देन मीडिया स्टडीज एंड फिजिकल एजुकेशन। सो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल एज मेन सब्जेक्ट्स एंड एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब 12th कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं जो आर्ट्स स्ट्रीम मुझे प्रोवाइड कर रहा है। फाइन, आप अगर आर्ट्स ऑप्ट कर रहे हैं आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं सोशियोलॉजी में, सोशल सर्विसेज में और सोशल वर्क्स में, जिसके लिए बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो आपको बहुत इजीली हायर कर सकते हैं एंड देयर आर मेनी एनजीओज वर्किंग ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। देन सेकेंड, यू कैन परस्यू योर करियर इन इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। यू कैन परस्यू योर करियर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब पॉलिटिक्स की कंप्लीट स्टडी अलॉन्ग विथ द टर्म्स विथ अदर कंट्रीज। इसके बाद में आप हिस्ट्री में अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं एंड आप आर्कियोलॉजी भी ऑप्ट कर सकते हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब में अवेलेबल होते हैं। ओके, अब इनके अलावा आप लॉ परस्यू कर सकते हैं। यू कैन डू LLB, यू कैन डू LLM, वट एवर विच एवर फील्ड यू वॉन्ट। जिस भी तरह के लॉ में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं यू कैन गो फॉर दैट। आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जा सकते हैं। जर्नलिज्म बहुत ही वर्सेटाइल एंड बहुत ही इनोवेटिव फील्ड है और आर्ट्स के बाद दैट इज ओपन फॉर यू। ओके, देन आप इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं विच इज अगेन अ क्रिएटिव फील्ड, जहां आपके क्रिएटिविटी से आप अर्न करते हैं। ओके, एंड इवेंट मैनेजमेंट आप फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क विथ एनी कंपनी एज वेल। देन आप होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट टू। फाइन, इसके बाद में आप जा सकते हैं स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको लैंग्वेजेस पढ़नी है या आपको दूसरी कंट्री विजिट करनी है, देन यू कैन डू योर स्पेशलाइजेशन इन फॉरेन लैंग्वेजेस। फिर आप जा सकते हैं सिविल सर्विसेज में। सिविल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, देन पुलिस सर्विसेज, सारी सर्विसेज आपके लिए ओपन है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू नो द perfect way to enter into the field. Then you can pursue your career as a writer. आप content writer बन सकते हैं, आप blogger बन सकते हैं, आप creative writer बन सकते हैं। You can pursue a very bright and innovative career as a writer. You can pursue your career in designing as well. अगर आप आर्ट्स ऑप्ट करते हैं तो जितने भी डिज़ाइनिंग कोर्सेज होते हैं, राइट फ्रॉम इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्लॉथ डिज़ाइनिंग एंड शू डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, जितने भी तरह के डिज़ाइनिंग कोर्सेज होते हैं, यू कैन परस्यू योर करियर इन एनी ऑफ देम। और इसके अलावा एक और जो फील्ड होती है दैट इज़ साइकोलॉजी। यू कैन डू द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो सब्जेक्ट स्टडी होती है, सब्जेक्ट स्टडी में आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर सकते हैं, आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं और उसके बाद में यू कैन गो फॉर योर रिसर्च एंड आप अगर चाहें तो एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ टीचर कहीं पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एज अ फ्री लैंसर यू कैन वर्क इन ऑल दिस फील्ड्स। ओके, सो दीज आर ऑल द करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर ऑप्टिंग। वन मोर थिंग इज देयर कि अगर आपने साइंस ऑप्ट किया है, आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारी फील्ड्स ओपन हैं। यस, जितने भी आर्ट्स की स्ट्रीम हैं वो साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट भी परस्यू कर सकते हैं। थिंक वाइजली एंड चूज योर करियर स्मार्टली एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी।
टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, टेक केयर.